मेरे पति की पत्नी या पति पत्नी और वो, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। एक लेडी मेरे पास में आई और वो बोली कि मुझे आपसे बात करने में अकेले आया हूँ, मगर मैं मेरे हस्बैंड के बारे में बात करने आई। तो उसके साथ में जो बातचीत हुई और जो मैंने उसको काउंसिलिंग किया, उसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, अकोला, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। इसके बारे में आप कुछ भी सवाल होंगे तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप है। उसमें आप डाउनलोड करते हैं तो आपको फ्री चैटिंग मिलेगा और काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग कोर्स है वो भी मिलेगा। कहता है कि आज का ज़माना ऐसा है कि सोशल मीडिया में लोग बहुत एक्टिव है, फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर फटाफट दोस्तियाँ बनती है, दोस्त बन जाते हैं, पैसा लोगों के पास में बहुत घूम रहा है, खेल रहा है, टीवी सीरियल्स अलग अलग आते हैं उसमें से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैसे लोगों के संबंध है, कैसी फ्रेंडशिप है उसके बारे में काफ़ी सारी बातें मालूम होती है। और ये चलता है ऐसा एक लोगों की भावना हो चुकी है, जैसा फॉरेन कंट्रीज में चल रहा है कि फ्रेंड है भाई, तो ऐसा चलता है, कैसा ऐसा होता है। कभी कभी लेडीज़ क्या होती है, लेडीज़ भी अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा लाइटली लेती है कि ठीक है कुछ तो भी बातें कर रहा है वो, लेट नाइट चैटिंग कर रहा है, तो उसको कुछ थोड़ा डाउट आता हो, ख्याल देती नहीं वो, मगर धीरे धीरे उसको ऐसा मालूम पड़ता है कि ये अपने से बराबर संबंध रखता नहीं है, ऐसा लेडी को मालूम पड़ता है। और उसको ये दिखता है कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी लेवल पे अभी उसका असर हो रहा है और अभी इम्पैक्ट हो रहा है। और फिर उसको मालूम पड़ता है कि इसका बाहर कोई तो भी संबंध है और ये बाहर बाहर रहता है। क्यों, क्या होता है कि अभी आर्थिक इसलिए होता है कि अभी दो घर है, एक घर ये और एक घर बाहर है, तो बाहर भी तो पैसा खर्चा करना पड़ता है और लिमिटेड यदि इनकम है तो फिर नेचुरली खींचातानी होती है पैसे की, दोनों तरफ पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अब इसमें फिर जब पत्नी को ये मालूम पड़ता है कि अपना पति और कहीं बाहर जा रहा है, उसकी और कोई तो भी फ्रेंड है उसके पास में जाते रहता है, तो इसका फिर दिल जलता है, फिर इसकी चिड़चिड़ापन, चिड़ना, फिर कुछ तो भी बोलते रहना, टोकना, चिल्लाना, चीखना, ये चालू हो जाता है, कोऑपरेट नहीं करना। तो ये जब मतलब रहता है घर में तो नेचुरली क्या होता है, नेचुरली समझो घर में अशांति है तो फिर आदमी और घर में आता ही नहीं जल्दी, वो और बाहर बाहर रहता है, फिर और बाहर रहेगा तो फिर और घर में चिल्लाना चीखना चालू हो जाता है। उसको लगता है कि अपन घर में जाने के बाद में जो चिल्लाना चीखना होगा, कटकट होंगी, तो उससे अच्छा घर ही जाओ मत, इसलिए वो घर भी आने को राजी रहता नहीं है। अभी करना क्या है, जब ये लेडी को मालूम है कि अपना पति बाहर जा रहा है, उसकी एक फ्रेंड है, उसने वो रखी हुई है, वो जो फ्रेंड है उसका हस्बैंड नहीं है उसके पास में, वो मर चुका है और ये इसके संपर्क में आया हुआ है और वो वहाँ भी रहता नहीं, यहाँ भी आता है, फिर कभी कभी ये गुस्सा करते बोलते उसको हमारे घर में लाओ, हम दोनों रहेंगे साथ में, मतलब ऐसा भी होता है कि हम दोनों रहेंगे उसको लाओ, मगर वो चिड़की बोलती रहती, एक्चुअली उसको बोलने का नहीं, मतलब उसको उसको ऐसा नहीं कि उसको ला के रखो अपने घर में, ऐसा बोलती नहीं रहती वो, मतलब उसको चाहिए नहीं मगर बोलती है। कभी कभी फिर खुदकुशी करने की धमकी, मैं निकल जाऊँगी घर से, वो धमकी देना, इससे कोई प्रॉब्लम हल होता नहीं, प्रॉब्लम का कुछ हल मिलता ही नहीं। इससे अच्छा मैं कुछ बातें बताता हूँ, यदि करते हैं तो धीरे 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 फर्क आ जाएगा। एक तो क्या है कि पत्नी जो है उन्होंने क्या करना चाहिए कि बार 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 ये धमकाना, चिल्लाना, चीखना पहले बंद कर देना चाहिए। घर में एकदम अच्छा वातावरण रखो, शांति का वातावरण रखो, प्रेजेंटेबल वातावरण रखो, प्रेजेंटेबल आ जाओ सामने, जब वो घर में आता है अपना पति तो उसका स्वागत करो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, दिमाग बहुत शांत रखना पड़ेगा, दिमाग के ऊपर बर्फ रखना पड़ेगा, मुंह में शक्कर रखनी पड़ेगी, जैसा कुछ हुआ ही नहीं या कुछ मालूम ही नहीं है ऐसा बर्ताव करना पड़ेगा। जब घर में शांति है, जब आप पत्नी उसको सब पूछ रही है, उसके साथ में प्यार से बात करती है, उसको कोऑपरेट करती है, उसका कोई विरोधी करती नहीं है, तो फिर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ उथल पुथल होना चालू हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि उधर बाहर जब वो उसके साथ में उसकी नज़दीकी आ जाती है तो वो आखिर ह्यूमन बीइंग्स है दोनों भी, अति परिचयात अवज्ञा ऐसा मराठी में बोलते हैं, अति परिचयात अवज्ञा मतलब ज़्यादा परिचय हो गया तो फिर वहाँ आज्ञा का पालन नहीं किया जाता है या फिर वहाँ खटके उड़ते रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ भी तो खटके चालू होते, वहाँ भी वो लेडी की कोई अपेक्षा है ये पूरी नहीं करता हूँगा, कुछ ना कुछ खटके उड़ना चालू हो गए तो उसको लगता है थोड़ा वहाँ भी टालना चालू करो। तो जब ये मौका आएगा, ये मौके की राह पत्नी ने देखना चाहिए, कौन सा मौका है ये कि वहाँ उसकी अभी नहीं चल रही ठीक, वहाँ खटके उड़ रहे हैं और उसको लगता है कि उससे अच्छा अपना अभी घर अच्छा है, अभी उसके बदले घर में जाऊँगा तो कम से कम मुझे वेलकम किया जाता है, घर में शांति है, घर में पत्नी मेरा स्वागत करती है, अपने को अच्छा खिला विलाती है
और घर में कोई विरोधी नहीं है। तो जब उसको ये मालूम पड़ेगा कि अपने घर में शांति है वो घर से, तो डेफिनेटली उसका जो मन है वो धीरे 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 फिर से यहाँ लगना चालू हो जाएगा। तो ये पत्नी ने हरदम ख्याल में रखना चाहिए कि चिल्ला के चीख के धौसा मार के है ना, ऐसा कुछ ना करते हुए बस एक्सेप्ट, स्वीकार करना जो हो रहा है, और वो स्वीकार करके जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्षण वैसा वैसा देखना है, धीरे 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 आदमी अपना अपने पास में वापस आ जाएगा और अपना जो संसार है वो ठीक चालू हो जाएगा, इतना पक्का। तो ये भी आपको अच्छा लगा तो जरूर लेडीज लोगों को शेयर करो, ताकि जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम है उनको एक रास्ता मिल जाएगा और वो अपना जीवन सुखी कर सकेगी। थैंक यू वेरी मच।